मुखिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। दूसरे एक हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज़ैफ़ा इब्ने यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुनाफिकीन की लिस्ट बता रखी थी कि मेरी इस महफिल मजलिस में ये लोग मुनाफिक है। हज़रत हुज़ैफ़ा इब्ने यमान ये राजदार साहबी हैं, उनको बताई। अब सबको पता है कि वो मुनाफिकीन के नाम वो सिर्फ उनको बताए गए, हज़रत हुज़ैफ़ा को। इधर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन भी बन गए, वो उनसे जाके पूछते हैं, उनसे जाके पूछते हैं कि मुनाफिकी की जो फहरिस्त है उसमें किस किस का नाम है, किस किस का नाम है। उन्होंने कहा नहीं, मुझे बताने की इजाज़त नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था कि ये नाम किसी को बताने नहीं, बस तुम अपने पास रखो, इसलिए मैं बता नहीं सकता। अब उमर बेचैन, यार कहीं मेरा नाम तो नहीं इसमें, जबकि ज़बान नबूवत से सुन चुके हैं ये अशरा मुबशरा में से हैं, ये वो 10 सहाबा हैं जिनकी दुनिया में जन्नत की बशारत दे दी, उसमें साहब अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तो गो तला फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, तो गोया के 10 सहाबा का जिक्र खुद नबी ने ज़बान से कर दिया कि ये लोग जन्नती हैं। फिर भी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला फिक्रमंद है कि यार मुनाफिक के फरिश्ते मेरा नाम तो नहीं, उनसे पूछते हैं, वो इनकार करते हैं। तो आखिर एक मरतबा पूछा, अच्छा ठीक है तुम नाम ना बताओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम बताने से मना किया है ना, नाम ना बताओ, बस इतना बता दो मेरा नाम तो उसमें नहीं है, बस हाँ या ना करेगा, नाम तो तू नहीं बताएगा, नबी से जो कमिटमेंट है वो भी टूटेगी नहीं, लेकिन तू मुझे ये कह देगा कि उमर तेरा नाम नहीं है तो मुझे इतमान तसल्ली हो जाएगी, वरना शब रोज़ मैं बेचैन रहता हूँ कि मेरा नाम तो नहीं है उसमें। ये खुद एहतसाबी, उमर को ये फिक्र नहीं कि अबू बकर का नाम है कि नहीं, उस्मान का नाम है कि नहीं, अली का नाम है कि नहीं, तला का नाम है कि नहीं, जुबैर का नाम है कि नहीं, उसको अपनी फिक्र है कि उमर का नाम तो नहीं है। बस ये वो कैफियत है इंसान, बस ये अगर अपने अंदर खुद इंसाफ भी पैदा करे, मुझे किसी से मतलब नहीं, सब ने अपनी कब्र में जवाब देना है, हशर में अल्लाह के सामने अकेले खड़ा होना है, मैं अपनी कैफियत तो पता करूँ। तो जब उनसे बार बार इशरार किया कि मेरा नाम तो नहीं है, उनके उमर आप बेफिक्र हैं, आपका नाम नहीं, आपका नाम नहीं है। उसके बावजूद क्या देखते थे, हज़रत हुज़ैफ़ा इब्ने यमान मुनाफिक के जनाजे में शरीक नहीं होते थे। जब कोई जनाजा आता, लोग जनाजे की तरफ बढ़ते, हज़रत उमर क्या कहते, खादिम से कहते पता करो हुज़ैफ़ा इब्ने यमान जनाजे में आया है कि नहीं, कहा जी आया है, इसका मतलब ये मरने वाला मुनाफिक नहीं है, जनाजे में शरीक हो रहे। अगर हुज़ैफ़ा नहीं आया, अच्छा हुज़ैफ़ा नहीं है, इसका मतलब लगता है ये आदमी मुनाफिकीन में से, आप भी जनाजे से रुक जाते। खुद अपनी फिक्र, ये नहीं कि भाई तुम भी जनाजे में ना जाओ, वो भी ना जाए, किसी से मतलब नहीं, वो बस अपनी खुद एहतसाबी, बस ये खुद एहतसाबी आज खत्म हो गई, जो कुरान ने जिसकी तरफ इशारा किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, अपनी फिक्र करो, ला यदुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा हतदैतुम। तुम ये कहते यार ये लोग मुआशरा गुमराह हो रहा है, बल्कि सही मुस्लिम की हदीस है, जो शख्स कहता हलक अन्नास, लोग हलाक हो गया, मुआशा बर्बाद हो गया, तबाही हो गई, लोगों का खला खराब हो गए, लोग चोर डाकू बन गए, फरमाया जो ये बातें करता है वो सबसे ज्यादा बड़ा हलाक होने वाला खुद है, वो दूसरों की हलाकतें, दूसरों की पस्तियां अखलाक की देखता है, अपनी अखलाक की पस्ती पर निगाह नहीं। तो नबी फरमाया वो अहलकुम, वो सबसे ज्यादा हलाकत वाला।